भाई साहब, एपिक रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हर साल अगर फिल्म आएगी तो लोग जरूर देखते हैं, क्योंकि इसके पीछे सीधा सिंपल क्रोनोलॉजी ये है कि इमोशनल एंड डिवोशनल कनेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट। भाई श्रद्धा भक्ति भाव से आखिर कौन नहीं जुड़ा है, और रामलला तो सभी के दिलों में बसते ही हैं, जिसके चलते लोगों ने पिछले साल आदि पुरुष जैसी रद्दी टट्टी मूवी को भी झेला था, और अब एक न्यू रामायण फिर से तैयार हो रही है। वही कस्में वादे फिर खाए जा रहे हैं, वही सारी चीज़ें जो आदि पुरुष से आने से पहले दिखाया जा रहा था, बिग बजट, बिग VFX का एक न्यू मॉडर्न एरा दिखाएंगे, एक नई रामायण का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इस चीज़ की गारंटी कि यह मूवी कितनी अच्छी हो सकती है, यानी अच्छी ही हो सकती है, फिलहाल अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने आदि पुरुष जैसा रद्दी माल झेल रखा है, तो इतने जल्दी ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, भाई मेरा तो नहीं होगा, आप लोगों का होगा नहीं होगा आई डोंट नो। लेकिन इस मूवी से जुड़ी अभी से ही बहुत सी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर ये आ रही हैं, जो एक बार के लिए मजबूर कर रही हैं ट्रस्ट करने के लिए कि ये जो मूवी आएगी ना, फाड़ मूवी आएगी और ऐसी रामायण निकल कर आएगी जो भाई सदियों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत से बड़े बड़े चेहरे जुड़ने में आ रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि क्या क्या हमें इसमें मिलने वाला है, कास्ट और कौन होने वाली, क्योंकि मेन तीन कास्ट तो हमें पता ही है, डायरेक्शन क्या होने वाला है, बजट किस हिसाब का होने वाला है, और VFX, क्योंकि ये मूवी VFX के दम पर चलने वाली है, बहुत कुछ विजुअल इफेक्ट ही इसका साथ देकर जाएगा, तो कौन डिजाइन कर रहा है कौन नहीं, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, मूवी से जुड़ी फर्स्ट अपडेट तो ये निकल कर आ रही है कि मूवी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी, यानी फर्स्ट ग्लिम्स जो है हमें कब देखने को मिल जाएगा, रामनवमी 17 अप्रैल, यानी अगले महीने को हमें ये फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिल जाएगा, जहां से मोटा मोटा ये आइडिया लग जाएगा कि मूवी किस हिसाब की होने वाली है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो नीतीश तिवारी हैं। भाई टारगेट करा जा रहा है कि अगले साल 2025 में दिवाली के टाइम पर इस रामायण के फर्स्ट पार्ट को लेकर आ जाएंगे, यानी फर्स्ट मतलब इसके और भी सिक्वल होने वाले हैं। जी हाँ, तीन भाग में इस मूवी को लेके आने वाले हैं, जो लॉन्गेस्ट रामायण होने वाली है, जिसका भारी भरकम बजट होगा वो आगे जाके बात करेंगे, जिसके फर्स्ट पार्ट के लिए शूटिंग अभी मार्च यानी कुछ ही दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी, जो जुलाई तक शूटिंग चलनी है, देन उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन पर काम हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज एंड कमी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि VFX जो डिजाइन करने वाला है इस मूवी के लिए वो है DNEG कंपनी, वही कंपनी जो अभी कल की 2898 मूवी के लिए VFX डिजाइन कर रहा है, वही कंपनी जिसने हॉलीवुड की ड्यून अगर मूवी आपने देखी है फर्स्ट पार्ट, जिसके जो ऑस्कर विनिंग है किस मामले में, VFX विजुअल इफेक्ट एंड कलर ग्रेडिंग के मामले में, वही कंपनी इस मूवी के VFX को डिजाइन करने वाली है। मेन कास्ट कंफर्म हो चुकी है, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम देखने को मिलने वाले हैं, साई पल्लवी हमें सीता माँ के रूप में देखने को मिलने वाली है, और रॉकिंग स्टार यश अपने KGF वाले यश भाई साहब रावण के रूप में देखने को मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं से ये भी निकल कर आ रहा है कि सनी देओल एज हनुमान देखने को मिलने वाले हैं, लारा दत्ता को सूर्पनखा के रूप में रखा जाएगा, एंड कैकेयी के रूप में राकुल प्रीत सिंह का नाम जुड़ते नजर आ रहा है। लेकिन ये लास्ट की तीन कास्ट का कन्फर्मेशन फिलहाल मेरे पास नहीं है, कहीं से उड़ता फड़ता आया तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, फिलहाल इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। वैसे मूवी का बजट बहुत भारी भरकम होने वाला है, यानी फर्स्ट पार्ट के लिए 700 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ये एक और र्यूमर्स निकल कर आ रहा है या न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अकेले रॉकिंग स्टार यश ही रावण के करेक्टर का रोल प्ले करने के लिए 150 करोड़ का बजट चार्ज कर रहे हैं, जो भाई हिंट मिल रहा है कि मूवी का बजट वाई इतना बड़ा क्यों है। और जो VFX कंपनी इसमें जुड़ रही है, DNEG कंपनी, वो भाई साहब कल की 2898 के लिए कितना परसेंट चार्ज कर रही है, 38% उसके टोटल बजट का, यानी टोटल बजट है उसका 600 करोड़, 228 या 230 करोड़ के आसपास ये कल की 28 के लिए चार्ज कर रहे हैं DNEG कंपनी, जो VFX डिजाइन कर रही है। तो इस मूवी के लिए कितना करेंगे भाई, इतना तो नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि मेकर्स एंड डायरेक्टर जो हैं इस मूवी के वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। देन बात करें मेन लीड पर जो रणवीर कपूर है वो कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि एनिमल से इन्होंने 70 करोड़ चार्ज किया था और वो ब्लॉकबस्टर हिट थी, तो भाई भाव तो बढ़ने को मांगता है, तो इस मूवी में कितना करेंगे, अबव देन 100 करोड़ तो मान के चल सकते हैं। तो नो डाउट कि ये मूवी दमदार कमाई करके ले जाएगी, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ छोटा नंबर है भाई। तो भाई इस मूवी के लिए कितना वेट है, इसके फर्स्ट ग्लिम्स के लिए कितना वेट है, ऑफिस क्योंकि 17 अप्रैल को राम नवमी पर रामलला का जो बर्थडे है उस दिन हमें ये फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिल जाएगा, वेट करते हैं। और भी इससे जुड़ी अगर आपको बातें मालूम है तो नीचे हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना।